हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू टू बैंकिंग आईक्यू। और बैंकिंग आईक्यू में आज हम लोग बात करेंगे 2 फरवरी 2019 के सारे करंट अफेयर। ये इंटरिम बजट स्पेशल होगा, यानी मैंने इसमें इंटरिम बजट बजट के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको कवर किए हैं। और ये जो करंट अफेयर होगा ये वन लाइनर्स के फॉर्म में होगा, आज MCQ के फॉर्म में मैंने कवर नहीं किया है। ओके, तो मेरा नाम कुमार गौरव है, चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। सो थोड़ा बात कर लेते हैं इंटरिम बजट के बारे में। तो ये जो बजट वर्ड है, ठीक है, ये बजट वर्ड डजंट फाइंड मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बजट वर्ड नहीं मिलेगा। रादर द आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिफाइन किया गया है, और आर्टिकल 110 ये मनी बिल को डिफाइन करता है, और आर्टिकल 117 ये फाइनेंशियल बिल को डिफाइन करता है। जो बजट के बाद फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं फाइनेंशियल बिल, तो आर्टिकल 117 के तहत उसको वो पेश करते हैं। ओके, और ये जो इंटरिम बजट था ये पेश किया गया था इंटरिम फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, जो कि हैं पीयूष गोयल। और ये इंटरिम बजट इसलिए कहा जा रहा है, दिस इज़ नॉट कॉल्ड यूनियन बजट, इंटरिम बजट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सरकार अब इलेक्शन में जा रही है, जो देश है वो इलेक्शन में जा रहा है 2019 में। एंड देयर वाज नो इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे भी इस साल नहीं हुआ था, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे हुआ बट उसको पेश नहीं किया गया, बिकॉज दिस वाज एन इंटरिम बजट। और इकोनॉमिक सर्वे पेश कौन करते हैं, तो वो पेश करते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ इंडिया, और अभी चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है भारत के कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। तो पहला था जो पॉपुलस डिमांड, ये एक पॉपुलस अनाउंसमेंट था दैट नो इनकम टैक्स फॉर इनकम अप टू 5 लाख। यानी जो सैलरीड पर्सन, जिनका अब सैलरी पूरा साल का 5 लाख रुपए होता है, उनको इनकम टैक्स के स्लैब से बाहर रख दिया गया है। ओके, दे विल बी नॉट चार्ज एनी टैक्स। एंड दूसरा था कि दूसरा पॉइंट है इसमें कि इंडिविजुअल विद ग्रॉस इनकम ऑफ अप टू 6.5 लाख, यानी कि जो ग्रॉस इनकम है 6.5 लाख इन द होल ईयर, ओके, विल नॉट नीड टू पे एनी टैक्स, उनको भी कोई टैक्स नहीं लगेगा अगर वो प्रोविडेंट फंड में और इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। ओके, ऐसे अगर 5 लाख के नीचे हैं तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, बट अगर आपका सैलरी 6.5 लाख है और आप प्रोविडेंट फंड और प्रिस्क्राइब्ड इक्विटीज़ यानी इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो भी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट वाज गवर्नमेंट विल सेट अप अ नेशनल सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू लुक इनटू आर्टिफिशियल प्रोग्राम्स। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यह पुश देने के लिए, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, तो भारत की सरकार ने भी इसको बढ़ावा दिया है और एक नेशनल सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सेटअप करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, द नेक्स्ट इज फॉर द डिजिटल इंडिया पुश इन द रूरल एरियाज दैट 1 लाख डिजिटल विलेजेस हैड बीन प्लान्ड इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। यानी 1 लाख डिजिटल विलेज भारत सरकार बनाएगी 5 सालों में, और ये इससे पहले स्मार्ट सिटीज़ के बारे में बात हुई थी अमृत स्कीम के तहत। ओके, इसके बाद था नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, यानी उत्तर पूर्व के लिए, जो उत्तर पूर्व जो डेवलपमेंट में थोड़े पीछे रह गए हैं। ओके, तो वहाँ के लिए था फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ओके, तो उनके लिए जो फंड एलोकेट किया गया है वो है 58,166 करोड़, और ये 21% से बढ़ा दिया गया है। ठीक है, पिछले साल जो पैसा अलॉट किया गया था उसको अब 21% बढ़ा के 58,166 करोड़ रुपये कर दिया गया है। फिर था MG नरेगा के लिए, जिसको मनरेगा भी कहा जाता है। ओके, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, और इसके तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 1 साल में 60,000 करोड़ रुपये एलोकेट किए गए हैं। ओके, और ये सब पॉइंट्स मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब एग्ज़ाम से पूछ दिए जाते हैं, ठीक है, कि कितना फंड एलोकेट हुआ है इस स्कीम में, कितना इस स्कीम में, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। द नेक्स्ट इज ₹19,000 एलोकेटेड फॉर रूरल रोड्स अंडर ग्राम सड़क योजना। ओके, ये है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, यह है ग्राम सड़क योजना, और ग्राम सड़क योजना में जो रूरल एरियाज हैं, जो देहाती क्षेत्र हैं, वहाँ के रोडों के लिए, वहाँ की सड़क बनाने के लिए 19,000 करोड़ रुपए की राशि अनुमोदित की गई है सरकार के द्वारा। ओके, द नेक्स्ट वाज द ESI कवर लिमिट हैज़ बीन इंक्रीज टू 21,000। जो ESI कवर लिमिट है उसको बढ़ा के 21,000 कर दिया गया है, एंड द मेंशन जो मिनिमम पेंशन है उसको भी अब 1,000 रुपये तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, उसको अब 1,000 रुपये कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि ESI है क्या। तो हियर ESI स्टैंड फॉर एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस
एंड इट इज़ अ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, ओके, एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, ये भारत के वर्कर्स के लिए जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मजदूर काम करते हैं उनके लिए है, एंड इट इज़ टू प्रोवाइड देम मेडिकल एंड कैश बेनिफिट टू देम, ओके, एंड इट इज़ मैनेज्ड बाय एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, यानी ESIC के द्वारा मैनेज किया जाता है, और ESIC जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है, ओके, तो आप याद रखेंगे। और इसी में जो ESI कवर लिमिट है उसको अब 21,000 कर दिया गया बढ़ा के, ठीक है, और जो पेंशन था उसको अब बढ़ा के 1,000 रुपये कर दिया गया, ओके। द नेक्स्ट वाज प्रधानमंत्री श्रम योगी महादान योजना, ओके, प्रधानमंत्री श्रम योगी महादान योजना एक स्कीम लॉन्च किया गया है, एक स्कीम का अनाउंसमेंट हुआ है ये बजट में 2019 में, एंड दिस ये जो योजना है ये गरीब लोगों के लिए है, और इसमें जो फंड एलोकेशन हुआ है वो है 500 करोड़ रुपये, ओके, 500 करोड़ रुपीज़, एंड अगर इसमें देखें तो जो मेन फोकस है ये है मजदूरों के लिए, ठीक है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, और इनको पेंशन सुविधा उपलब्ध कराएगी सरकार आफ्टर दे विल अटेन 60 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, उनको पेंशन सुविधा उपलब्ध कराएगी सरकार, 3,000 रुपये के मासिक पेंशन उनको दिया जाएगा, दिस इज एश्योर्ड, ओके, एश्योर्ड मंथली पेंशन ऑफ 3,000, और जो कंट्रीब्यूशन होगा यानी जो प्रीमियम होगा वो होगा 100 रुपये प्रति महीना, ओके, 100 रुपये पर मंथ, ओके, तो बहुत नॉमिनल फी है, बहुत लो है। सो द नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन एंड इट इज़ फॉर द सैलरीड पर्सन, ये सैलरीड पर्सन के लिए है, जिनकी सैलरीज आती है, जो मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट आता है हर एक महीने, तो उनके लिए जो सैलरी जो ये STD कटती थी वो 40,000 पे कटती थी, अब इसको बढ़ा के 50,000 कर दिया गया, इसको सर्विस टैक्स के नाम से भी जानते हैं लोग, ओके, तो 50,000। एंड द नेक्स्ट वॉज TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ओके, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो इसका भी थ्रेशोल्ड बढ़ा के कर दिया गया है 10,000 से 40,000, और ये जो टैक्स ये जो थ्रेशोल्ड बढ़ाया गया है ये बढ़ाया गया है इंटरेस्ट में, जैसे आप कोई बैंक और पोस्ट ऑफिस में अपना पैसा जमा करोगे तो वहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो पहले जो टैक्स जो TDS कटता था 10,000 पे, अब उसको बढ़ा के कर दिया गया है 40,000 पे, ओके, यानी अब 40,000 पे आपका 10 से अगर आपका 40 से कम है तो उसके इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट जो आपका 40,000 रुपये से कम आ रहा है तो उस पर कोई TDS नहीं कटेगा। एंड अनदर वन इज़ जो रेंटल इनकम है, रेंटल इनकम जो आ रहा है, ठीक है, उस पर भी TDS को बढ़ा के 1.8 लाख से बढ़ा के कर दिया गया है 2.4 लाख, यानी कि 2.4 लाख तक कोई TDS रेंटल इनकम पे नहीं कटेगा, ओके। द नेक्स्ट इज़ फॉर इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए किया गया ये, जो आप IT रिटर्न्स भरते हैं, ठीक है, तो IT प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न्स अब 24 घंटों में किया जाएगा, और फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है इसके लिए, ओके, एंड विद इन नेक्स्ट 2 ईयर्स ऑल वेरिफिकेशन ऑफ टैक्स रिटर्न्स विल बी डन इलेक्ट्रॉनिकली, जो भी वेरिफिकेशन है टैक्स रिटर्न्स के लिए 2 साल के अंदर ही ये सब क्या किए जाएंगे, ये सब इलेक्ट्रॉनिकली किए जाएंगे, ओके, विदाउट एनी इंटरफेरेंस विद टैक्स पेयर, मतलब आपसे कोई भी मेल मुलाकात नहीं होगी, और ये सारे की सारी जो चीज़ें हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली होगी और आपको भेज दिया जाएगा आपके रिक्वायर्ड एड्रेस पे, ओके, सारा चीज़, ओके। द नेक्स्ट वॉज गोकुल स्कीम फॉर काउज, तो काउज और फार्मर्स के लिए भी बहुत सारी योजनाएँ इसमें हैं, ठीक है, तो गोकुल स्कीम एलोकेशन ये काउ की स्कीम है, ठीक है, ये पहले से चल रही थी, तो इसमें जो फंड है इसको अब बढ़ा के 7500 करोड़ रुपये कर दिया गया है, ये पहले से चल रहा है स्कीम, याद रखेंगे। और एक जो आयोग का गठन किया गया, एक कमीशन का गठन किया गया है, उसका नाम है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, तो सरकार ने अनाउंस किया है बजट में कि दे आर गोइंग टू सेटअप दिस राष्ट्रीय कामधेनु आयोग फॉर द वेलफेयर ऑफ काउज, ठीक है, काउज को की देख रेख के लिए। एंड राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का काम क्या होगा, तो इनका काम होगा ये पॉलिसीज़ और स्कीम जो भी वेलफेयर ऑफ काउज के लिए हैं, ठीक है, गायों की वेलफेयर के लिए हैं, उनको इम्प्लीमेंट करेगी, ठीक है। द नेक्स्ट वन वाज PM किसान सम्मान निधि योजना, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये तो पक्का आने वाला है कोई ना कोई एग्ज़ाम में, तो PM किसान सम्मान निधि योजना ये भी अनाउंस किया गया है, ठीक है, और इसमें जो फंड एलोकेट किए गए हैं ये है 75,000 करोड़, और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें फार्मर्स को अब 6,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा सरकार के द्वारा, ओके, तो इट्स समवट लाइक UBI यूनिवर्सल बेसिक इनकम, तो एक न्यूनतम जो आय है
वो किसानों के लिए फिक्स कर दी गई है। तो ये है 6,000 रुपये प्रति वर्ष। द नेक्स्ट इज आयुष्मान भारत। तो मेडिकल के क्षेत्र में तो आयुष्मान भारत स्कीम जो कि 2018 के यूनियन बजट में लॉन्च किया गया था, अनाउंस किया गया था और इसको लॉन्च किया गया था ऑन द 23rd September 2019। ओके, तो ये प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लॉन्च किया था। तो उसमें जो स्टैटिक्स हैं वो अभी जारी किया है गवर्नमेंट ने, जो डेटा है कि 1 मिलियन पीपल को अभी तक ट्रीट किया गया है, यानी 10 लाख लोगों को इससे ट्रीट किया गया है आयुष्मान योजना से। ठीक है, और आयुष्मान भारत योजना जो है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा गवर्नमेंट फंडेड स्कीम है, तो यहाँ पर याद रखेंगे। और इसी के तहत 22वां जो एम्स है वो हरियाणा में खुलने वाला, तो इसका भी अनाउंसमेंट हुआ है बजट में। और इससे पहले मदुरई में अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया है एम्स का। ठीक है, और एम्स का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। द नेक्स्ट वॉज रेलवेज़ के लिए, तो रेलवे बजट जो कि अब मर्ज हो गया है यूनियन बजट के साथ। ठीक है, तो रेलवेज़ के लिए जो फंड एलोकेट किए गए हैं वो है 64,587 करोड़ रुपये, और ये फाइनेंशियल ईयर 20 के लिए है, 1920 के लिए है। ओके, और ट्रेन 18 जिसका नाम अब बदल के वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया है, तो इसके बारे में भी अनाउंसमेंट हुआ कि ये दिल्ली से वाराणसी के बीच चलेगी। ओके, जो पहली इसकी होगी लॉन्च की जाएगी। ठीक है, और ऐसे ऐसे ट्रेन 18 5 हैं पाइपलाइन में, और ICF के द्वारा ये डेवलप किए गए थे चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, और इसको बनाने में लगभग 100 करोड़ रुपए लगे हैं, 100 करोड़। ओके, फिर था डिफेंस बजट। तो डिफेंस बजट को भी अब बढ़ा के 3 लाख करोड़ रुपए कर दिया, तो भारत का डिफेंस बजट अब बढ़ के हो गया है 3 लाख करोड़। ओके, और एडिशनल फंड भी इसमें रखे गए हैं, और डिफेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन। अब आते हैं, बात करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। तो पहला है द 3 पब्लिक सेक्टर बैंक हैज़ बीन फ्रीड फ्रॉम PCA फ्रेमवर्क। तो PCA का मतलब होता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, और जब बैंक कुछ फॉलो नहीं करती, जैसे CRR फॉलो नहीं कर रही है, SLR फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है, तो उस पर जो RBI के पास एक फ्रेमवर्क है तो उसके तहत वो इसका यूज करता है, उसको कहते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। और प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जब किसी बैंक पे लिया जाता है तो बैंक उसके बाद अपना ब्रांच एक्सपेंशन नहीं कर सकता है। ठीक है, वो हायरिंग नहीं कर सकता है, लोन्स नहीं दे सकता है और कोई अकाउंट नहीं ओपन कर सकता है। तो PCA अभी पेमेंट बैंक पे भी लगाया गया था जो पेटीएम है, उससे अभी PCA हटा है, और 3 पब्लिक सेक्टर से भी ये PCA को हटाया गया है। और ये 3 बैंक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। और इसमें गवर्नमेंट ने दिसंबर 2018 में इसको रिकैपिटलाइज किया था। ठीक है, कैपिटल इन्फ्यूज़न किया था, तो बैंक ऑफ इंडिया में 10,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ किए थे, 5,500 करोड़ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में, और 4,500 करोड़ किए थे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। और इसी के कारण से बैंक, इट हेल्प द बैंक टू कमिंग आउट ऑफ दिस फ्रेमवर्क PCA, और RBI गवर्नर है शक्तिकांता दास। द नेक्स्ट इज पंजाब गवर्नमेंट अप्रूव्ड अ रूरल डेवलपमेंट स्कीम स्मार्ट विलेज कैंपेन। ओके, तो पंजाब गवर्नमेंट ने एक रूरल डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम है स्मार्ट विलेज कैंपेन। और जो बजट है इसके लिए, ठीक है, जो अलॉट किया गया है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा, ये स्टेट गवर्नमेंट स्कीम है, तो यह है 384.40 करोड़ रुपये। ओके, एंड ये विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर और विलेज में ही रूरल एरियाज में ही इसेंशियल एमिनिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए ये जो कैंपेन है उसको लॉन्च किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा, और पंजाब के CM है अमरिंदर सिंह। द नेक्स्ट इज किसान सुविधा लोन फॉर अ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैज बीन लॉन्च्ड बाय उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में, और समित घोष इसके CMD हैं। तो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कुछ किसान सुविधा लोन जो कि स्मॉल और मार्जिनल फाइनेंस फार्मर्स के लिए लोन है, किसानों के लिए लोन है, उसको लॉन्च किया है। ओके, और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है उत्कर्ष, उसका हेडक्वार्टर है वाराणसी में, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC ने अभी 5 सालों के लिए एक ग्लोबल पार्टनरशिप डील की है, और ये डील की है कोका कोला कंपनी के साथ। ठीक है, 5 सालों के लिए डील हुई है, और ये डील चलेगी, जो डील हुई है ये हुई है जो वर्ल्ड कप होने वाला है। ठीक है, ICC एक वर्ल्ड कप और जो वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कराता है हर एक 4 सालों में, तो इस बार का जो वर्ल्ड कप होने वाला है 2019 में ये होने वाला है इंग्लैंड एंड वेल्स में, और T20 वर्ल्ड कप में भी जो स्पॉन्सर होगा वो कोका कोला ही होगा, और T20 वर्ल्ड कप होने वाला है 2020 में, और ये होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में।
और आईसीसी की हेडक्वार्टर है दुबई। द नेक्स्ट इज नोएडा बेस्ड लास्ट मिनट होटल बुकिंग ऐप नाइट स्टे अक्वायर्ड बाई पेटीएम। तो नाइट स्टे एक ऐप है, ठीक है, लास्ट मिनट होटल बुकिंग ऐप, मतलब कि एकदम रात में अगर आपको होटल बुकिंग चाहिए तो जो ये ऐप था वो उसको उस होटल बुकिंग के लिए था, ठीक है। और ये जो फाउंडर थे इस ऐप के, ये थे नसर खान, ठीक है। अब नाइट स्टे को एक्वायर कर लिया गया है, यानी कि खरीद लिया गया है पेटीएम के द्वारा, और पेटीएम का हेडक्वार्टर है नोएडा में, और पेटीएम का जो पेरेंट कंपनी है वो है 197 कम्युनिकेशन, और पेटीएम के फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा। ओके, द नेक्स्ट इज DIPP, जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन है, इसका अब नाम बदल के कर दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा याद रखेंगे DIPP इज नाउ रीनेम्ड एज डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ओके, तो DIPP अब बन गया है DPIIT। ओके, और DIPP कम्स अंडर वर्क्स अंडर कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री। ओके, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, और मिनिस्टर हैं जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, वो हैं सुरेश प्रभु। और जो WPI हम लोग देखते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसको कैलकुलेट करता है DIPP। ओके, और CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको कैलकुलेट करता है CSO। ओके, CSO है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करता है, और WPI को कैलकुलेट करता है DIPP। द नेक्स्ट इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रकाश जावड़ेकर हैड इनोग्रेटेड अ न्यू कैंपस ऑफ नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट इन नोएडा। तो नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट का नया कैंपस का अभी उद्घाटन हुआ है, जो कि किया गया है हमारे MHRD मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा, और ये जो नया कैंपस खुला है नोएडा में, और नोएडा कहाँ है तो UP में। द नेक्स्ट इज गोरखा ब्रिगेड रिसीव्ड द बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट ट्रॉफी ऑफ द रिपब्लिक डे परेड, एंड वेयर एज द CRPF हैड ओन द बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट प्राइज फॉर पैरामिलिट्री फोर्सेज। तो रिपब्लिक डे परेड में जो बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट ट्रॉफी मिली है, ठीक है, वो मिली है गोरखा ब्रिगेड को। और वहीं अगर पैरामिलिट्री फोर्सेज की बात करते हैं, तो पैरामिलिट्री फोर्सेज में जो बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट मिली है वो मिली है CRPF को, ठीक है, यानी CRPF स्टैंड फॉर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ओके, और अगर हम रिपब्लिक डे की बात करते हैं, तो थोड़ा रिवाइज करा दूं मैं आपको, रिपब्लिक डे से रिलेटेड एक ऐप लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, जिसका नाम है RDP 2019, जिसका फुल फॉर्म है रिपब्लिक डे परेड, यह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा लॉन्च किया गया था। और रिपब्लिक डे में जो चीफ गेस्ट थे वो थे सिरिल रामाफोसा, जो कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं। ओके, तो आप याद रखेंगे। और अगर बात करें जो सबसे स्टेट जिसको अवार्ड मिला है सबसे अच्छी झांकी के लिए, टैबल्यू के लिए, वो थी त्रिपुरा, तो त्रिपुरा ने जीता है इसमें। और दूसरे नंबर पे था पंजाब, और तीसरे नंबर पे था जम्मू एंड कश्मीर। फिर है वाइस एडमिरल MS पवार, जिनको अति विशिष्ट सेना मेडल और विशिष्ट सेना मेडल से सम्मानित किया गया था, अति विशिष्ट से सम्मानित किया गया है 2016 में, और विशिष्ट सेना मेडल से सम्मानित किया गया है 2010 में। अब उनको बना दिया गया है डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, ठीक है, अब ये बन गए हैं डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं सुनील लांबा, ठीक है, और इनको हर्बर्ट लॉट प्राइज भी मिला है, इनको इससे भी सम्मानित किया गया है। और विशिष्ट सेवा मेडल जो मैंने बताया आपको 2010 में, एंड अति विशिष्ट सेवा मेडल 2016 में। द नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन सेड दैट द नेशनल पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कैंपेन विल बी लॉन्च्ड इन तमिलनाडु। तो जो डिपार्टमेंट है पब्लिक हेल्थ एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन का, ठीक है, अब ये नेशनल पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कैंपेन ऑर्गेनाइज करेगा तमिलनाडु में, जो कि ऑर्गेनाइज होगा मार्च 10 से, यानी 10 मार्च को ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा तमिलनाडु में। और जो ये पोलियो है एक बीमारी है, एक वायरल बीमारी है, और ये एक डेफिशिएंसी, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, ठीक है, और ये कॉज होता है पोलियो वायरस से, ठीक है, पोलियो वायरस से। और अब इंडिया को पोलियो फ्री घोषित कर दिया गया है, ठीक है, इंडिया इज़ नाउ पोलियो फ्री। द नेक्स्ट इज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो एक नया अपना कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम है GSAT-31, और ये लॉन्च किया जाएगा 6 फरवरी को, एंड फ्रॉम फ्रेंच गुयाना। और फ्रेंच गुयाना से ही जो इसरो की सबसे पावरफुल सैटेलाइट थी GSAT-11, उसको लॉन्च किया गया था, जो कि बिग बर्ड भी कहा जाता है उसको, पावरफुल बर्ड, बिग बर्ड। ओके, तो आप याद रखेंगे। और GSAT-31 ये रिप्लेस करेगा INSAT-4CR को, और GSAT-31 का जो वेट है वो है 2500 kg।
एंड द लास्ट इज फॉर्मर अंपायर, पूर्व अंपायर जो अंपायर होते हैं क्रिकेट अंपायर, वो दारा दोती वाला, ये तमिलनाडु के रहने वाले थे, इनका निधन हो गया है, ठीक है। और ये इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने जो फेमस टाइड मैच है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, उसमें इन्होंने अंपायरिंग की थी, तो इसलिए इनको जाना जाता है, तो इनका निधन हो गया है। ओके, तो ये था आज का करंट अफेयर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे।